नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। मैं विकास आपका स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल BGR Blogs में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लेके आ गया हूँ बनारस के एक बहुत ही प्रसिद्ध और मनमोहक मंदिर में, जो कि श्री मणि मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, धर्मनगरी काशी में बना ये मणि मंदिर भगवान राम के साथ शिव शक्ति और पंचदेवों एक साथ इसमें दर्शन होता है, इसलिए ये मंदिर दोस्तों बहुत ही खास है। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको लेके आ गया हूँ मंदिर परिसर के भीतर, और ये एक यज्ञशाला है। तो आइए दोस्तों आगे चलते हैं और मैं आपको इस मंदिर के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, करपात्री महाराज की तपोस्थली धर्मसंघ परिसर जो है वो बड़ी उसमें मणि मंदिर ये बना है। दोस्तों, ये जो मंदिर था वैसे तो 8 दशक पहले 1940 में स्थापित किया गया था श्री राम दरबार की झांकी के साथ, किंतु दोस्तों एक्चुअली में जो ये मंदिर पूरी तरह से स्थापित किया गया है, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा 28 फरवरी 2020 में इसकी की गई है और भक्तों के लिए खोला गया है। दोस्तों, इस मंदिर की सबसे खास बात आपको बताना चाहूँगा कि ये मंदिर शैव और वैष्णव दोनों, इसमें दोनों संप्रदाय के लोग आपको मिल जाएंगे और दोनों ही मान्यताओं के इसमें एक साथ दर्शन होते हैं इस मंदिर में। इसमें भगवान शंकर का भी विग्रह है और श्री राम दरबार भी है इसी एक ही मंदिर में। और दोस्तों, साथ ही बताना चाहूँगा कि इस मंदिर का निर्माण जो है वो लगभग 43,000 वर्ग फीट में किया गया है, और इसमें भगवान राम के दरबार के साथ ही शिव शक्ति और पंचदेवों के एक साथ दर्शन होते हैं दोस्तों। और दोस्तों, साथ ही साथ बताना चाहूँ कि राम दरबार के ठीक सामने विशाल मंडप के मध्य में 5 फीट आकार वाला शिवलिंग है, और दोनों तरफ 151 नर्मदेश्वर शिवलिंगों की कतार है। दोस्तों, ये देखिए, इसी शिवलिंग की मैं आपसे बात कर रहा था। हर हर महादेव। तो दोस्तों, आइए आपको इस मंदिर के पूरी तरह से दर्शन कराते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है द्वादश ज्योतिर्लिंग। ये देखिए दोस्तों, साथ ही बताना चाहूँ कि शिव परिवार और स्फटिक मणि के द्वादश ज्योतिर्लिंग के इसमें दर्शन होते हैं। इसी के नाम पर इस मंदिर का नाम मणि मंदिर रखा गया है दोस्तों, और परिक्रमा पथ पर अगले हिस्से में सूर्यदेव और बाबा काल भैरव, और पिछले हिस्से में एक तरफ गजानन, तो दूसरी तरफ दोस्तों माँ दुर्गा वैदान की मुद्रा में इसमें कृपा बरसाती है इस मंदिर में। और राम दरबार के बगल में दोस्तों माँ अन्नपूर्णा श्रद्धालुओं को धन धान्य का वरदान देती हैं। तो इस प्रकार इस मंदिर का निर्माण हुआ है दोस्तों। और साथ ही साथ एक और चीज़ आपको बताता हूँ दोस्तों, कि द्वादश ज्योतिर्लिंगों का जो निर्माण है उसमें स्फटिक मणि के इस्तेमाल के कारण 11 शिखरों वाले इस मंदिर को मणि मंदिर नाम दिया गया था दोस्तों। तो मंदिर का निर्माण जोधपुर और चुनार के लाल पत्थरों से किया गया है दोस्तों, और भीतर की जो दीवार है उसको श्वेत संगमरमर और फर्श को ग्रेनाइट से सजाया गया है। ये देखिए दोस्तों, ये श्री राम दरबार। जय श्री राम। और बगल में आप देख सकते हैं दोस्तों माँ अन्नपूर्णा की मूर्ति है, ये देखिए। जो भी दोस्तों बनारस में नहीं है या बनारस से दूर है और यहाँ से आप बिलोंग करते हैं, तो आप अपनी यादों को सहेज सकते हैं दोस्तों। अगली बार मान लीजिए अगर अभी तक आप लोगों ने इस मंदिर में दर्शन नहीं किए हैं,
तो आप लोगों से निवेदन है कि ज़रूर से ज़रूर यहाँ पर आकर दर्शन करें। ये बहुत ही सुंदर और भव्य और दिव्य बिल्कुल मंदिर ये बना है दोस्तों। ये देखिए मंदिर के बीचों बीच ये मणि के आकार का ये कारीगरी की गई है, जो कि बहुत ही सुंदर है, अति दिव्य और अति भव्य लगता है दोस्तों। तो जो भी मित्र दोस्त अभी तक इस मंदिर के दर्शन नहीं किए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर यहाँ आएँ दोस्तों। और साथ ही साथ आपको दोस्तों एक और जानकारी देता हूँ कि धर्म संघ परिसर में जो देवालय है, उसमें दोस्तों 10 महाविद्याएँ यानी तंत्र साधना की जो 10 देवी हैं, वो भय बाधाओं से मुक्ति का आशीष बरसाएंगी, ऐसा मानकर उनकी स्थापना की गई है। इनमें माँ भगवती, काली, माँ तारा, श्री विद्या, भुवनेश्वरी देवी, त्रिपुर भैरवी, छिन्नमस्ता, घुमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला माँ का दरबार यहाँ पे सजा हुआ है दोस्तों। जी देखिए दोस्तों, ये हमारे 151 नर्मदेश्वर शिवलिंगों की जो कतार है, और ये दोस्तों देखिए हमारे अर्धनारीश्वर महादेव जी का जो मूर्ति है वो लगी हुई है। ये हमारे सारे शिवलिंग हैं, इन शिवलिंगों को जिन शिवलिंगों की मैंने आपको जानकारी दी। ये देखिए दोस्तों कितना सुंदर और मनोरम दृश्य है, आप स्वयं देख सकते हैं दोस्तों। सामने से देखने में ये बहुत ही सुंदर लग रहा था। ये देखिए दोस्तों अर्धनारीश्वर श्री बजरंगबली यहाँ पर विराजमान है, और ये दोस्तों देखिए महेंद्रपाल बाल जी अपने परिवार के साथ, ये दोस्तों लक्ष्मी नारायण जी। मैं दोस्तों संपूर्ण मंदिर के चौतरफा आपको हर चीज़ दिखाऊंगा दोस्तों, जिससे कि आप इस मंदिर की भव्यता और दिव्यता का अंदाज़ा लग सके कि कितना सुंदर ये मंदिर है। ये देखिए दोस्तों ये शिवलिंग जो कि मंदिर के शुरुआत में ही बिल्कुल स्थापित किया गया है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था दोस्तों, ऐसा कि आप देख ही सकते हैं। ये देखिए दोस्तों मैं आपको चारों तरफ से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कितना ही सुंदर ये मंदिर बनाया गया है, पूरी इसमें कितनी सुंदर नक्काशी की गई है, किस क्वालिटी के जो कारीगरी है वो कितनी ज़बरदस्त की गई है, इसमें आप खुद देख सकते हैं दोस्तों। और इसमें जो लाइटिंग की व्यवस्था है वो भी बहुत ही सुंदर है, जिसकी वजह से इसकी सुंदरता में और चार चांद लग रहे हैं। ये दोस्तों मुख्य आकर्षण है इस मंदिर का। ये देखिए सामने जो आप देख रहे हैं वो श्री राम दरबार है, और जब आप इस शिवलिंग से आगे बढ़ेंगे तो आपको श्री राम दरबार जी के दर्शन होंगे। ये देखिए मैं आपको चौतरफा चारों तरफ से इस मंदिर के दर्शन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। और साथ ही बताना चाहूँगा दोस्तों कि इस मंदिर में जिन लोगों ने भी मदद की थी, सहयोग किया था, उनका नाम और उन वो किस जगह से थे उसको एक शिलालेख में अंकित करवा कर यहाँ मंदिर में ही इसे लगाया गया है। ये देखिए दोस्तों मंदिर निर्माण में सहयोग करने वालों की नामावली है, जिन जिन लोगों ने उस समय मंदिर निर्माण में अपना सहयोग दिया था। ये दोस्तों पंच महादेव हैं, जिनकी मूर्ति देखिए कितनी सुंदर और भव्य लग रही है दोस्तों, आप खुद देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बाहर की तरफ चलते हैं, मंदिर के दर्शन हमने पूरी तरफ से कर लिए हैं। ये देखिए दोस्तों कितना सुंदर एक हाथी का बिंब लगाया गया है, और ये मंदिर परिसर है दोस्तों, मंदिर का मुख्य द्वार जिसे जमीन देख रहे हैं आप दोस्तों, ग्रेनाइट लगाया गया है। और ये देखिए दूसरी तरफ भी एक हाथी लगाया गया है, और ये दोस्तों है मंदिर परिसर में ही ये दोस्तों ये एक गौशाला है, जिसमें ये देखिए एक सुंदर बछड़ा दोस्तों, ये देखिए ये मेरे पास आ रहे हैं, इन्हें लग रहा है मुझे बहुत मैं इनका मित्र हूँ और पुराना बिछड़ा यार मिल गया हूँ। ये देखिए दोस्तों कितना प्यारा है ये,
तो दोस्तों ये देखिए काफ़ी मासूम है ये जानवर। तो दोस्तों आइए हम लोग मंदिर के बारे में और इस गौशाला के बारे में थोड़ी डिटेल और लेते हैं। यहाँ पर एक मंदिर ट्रस्ट के ही जो पारिवारिक सदस्य हैं उनसे मैंने बात की है। आइए उस बात के कुछ अंश आपको दिखा। नमस्कार, अपना परिचय दीजिएगा। जी, मेरा नाम अंशुमान पांडे है। आपसे जानकारी लेना चाहेंगे कि ये जो मंदिर था इसका निर्माण कब हुआ है? मंदिर का निर्माण तो 2017 में चालू हुआ था, लेकिन मंदिर का अनावरण 2020 में हुआ है। तो इस मंदिर में क्या क्या मतलब कितने विग्रह होंगे आपको कोई अगर इसका अंदाजा हो? मंदिर में देखिए 151 शिवलिंग हैं, जी माता अन्नपूर्णा हैं, राम दरबार जो मेन गर्भगृह है मंदिर का, उसके बाद से स्फटिक के द्वादश ज्योतिर्लिंग हैं, गणेश भगवान हैं, दुर्गा जी हैं, राधे श्याम हैं और सूर्य भगवान का भी मंदिर है इसमें। और साथ ही में भगवान अर्धनारेश्वर भी हैं, लक्ष्मी नारायण भी हैं, पूरा शिव परिवार भी है, 10 महाविद्याएं भी हैं और बजरंगबली की भी प्रतिमा है मंदिर में। ये जानने चाहेंगे हम लोग कि जैसे ये जो मंदिर जो बना था तो ये ट्रस्ट के सहयोग द्वारा बना था या लोगों ने अपना चंदा लगाकर इसका निर्माण कराया था? जी, मंदिर में दोनों लोगों का ही सहयोग है। ट्रस्ट ने खुद से भी थोड़ी धनराशि लगाई है और लोगों ने भी अपने इच्छा स्वरूप दान दिया है, जो जो उनका इच्छी की। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ढेर सारी गाय बंधी हैं, तो क्या यहाँ पे ये निर्धारित गौशाला है? जी, ये आश्रम की ही गौशाला है। यहाँ गीर गायें और मतलब प्रमुखतः देसी गायों को रखने का हमारा लक्ष्य रहता है, लेकिन जो गौ माताएँ पहले से हैं उनको हम अभी भी रखे हुए हैं, जो मतलब विदेशी नस्लों की हों, जैसे जर्सी हैं, तो उनको हम नहीं हटाएंगे। अब वो जब अपनी आयु पूरी कर पूर्ण कर लेंगी, जब उनका स्वर्गवास हो जाएगा तभी वो यहाँ से जाती हैं। यहाँ पे गायों की खरीद बिक्री नहीं होती है, यहाँ हम गाय या तो दान देते हैं तो दान लेते हैं। ये तो और बहुत ही अच्छी बात बताई आपने कि मतलब गौ माता की आप लोग सेवा कर रहे हैं। सेवा ही करते तो हैं। बाकी अगर मान लीजिए कोई आकर सेवा करना चाहे तो उसके लिए क्या उपलब्ध अगर धन से सेवा करना चाहें तो धन से भी सेवा कर सकते हैं। अगर क्या कहते हैं, आके खुद से स्वयं सेवा भी करना चाहते हैं तो उसकी भी अनुमति है। मंदिर में दान देने के लिए किस किस मतलब माध्यम से हम लोग दान कर सकते हैं? पर्ची बनती है, लोग बैठे रहते हैं काउंटर पे, वो आप उनको बोलेंगे तो पर्ची बना देंगे आपके लिए, और नहीं तो फिर जाके आप खुद सीधे दान कर सकते हैं ऑफिस में भी। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, तो क्या ये संभव है कि ऑनलाइन UPI वगैरह के थ्रू भी लोग दान कर सकें? अभी ऑनलाइन की सेवा भी है नहीं, उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि ऑनलाइन हम लाएँ। ये आप लोगों से निवेदन रहेगा कि ऐसा ज़रूर करें, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि मंदिर सभी लोग मंदिर आकर दान नहीं कर पाते हैं, तो अगर ऑनलाइन व्यवस्था रहेगी तो बहुत ही सुगमता होगी दान करने में। इसीलिए मैंने आपसे बोला विचार चल रहा है, हम लोग ने इस समस्या के बारे में बहुत पहले ही जान लिया था, इस पर विचार कर रहे हैं, इसके लिए प्रॉपर प्लेटफॉर्म और प्रॉपर प्रोसीजर बनाने की तैयारी कर रहे हैं कि मतलब एक प्रॉपर अकाउंट बना दें ट्रस्ट का, जिसमें कोई भी सामान्य आदमी जिसका इच्छा करे दान करने का, ऑनलाइन UPI या फिर किसी भी अन्य मोबाइल। एक बार ट्रस्ट का नाम हम हमारे दर्शकों को बता दें। ट्रस्ट का नाम अखिल भारतीय धर्म संघ शिक्षा मंडल है। स्वामी कृपात्री जी महाराज संस्थापक थे आश्रम के, वो भारत पूरा भारत भ्रमण किए थे और उन्होंने जहाँ जहाँ भी गए, जहाँ जहाँ भी उन्होंने शिष्य बनाए, वहाँ वहाँ आश्रम है। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों से जुड़ने के लिए। तो दोस्तों आज इन्हीं सुंदर और मनमोहक दृश्यों के साथ हम लोग आज के वीडियो समाप्ति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि गौशाला यहाँ पर काफ़ी साफ सफाई यहाँ पर बरकरार रखी जा रही है, और जिस हिसाब से गौशालाएं बहुत ही मतलब दयनीय अवस्था में होती हैं, यहाँ पर बिल्कुल ऐसा नहीं है, और सभी गायों का काफ़ी अच्छे से ख्याल रखा जाता है। दोस्तों ये देखिए एक सुंदर दृश्य जिसमें दो बछड़े आपस में खेल रहे हैं, और ये दृश्य दोस्तों काफ़ी मन को शांति प्रदान करने वाला है। तो दोस्तों आज की वीडियो फिर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों से निवेदन है कि यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।